भारत ने बांग्लादेश की टीम को हराया 7 विकेट से, तो दुनिया भर के दिग्गज रह गए हैरान और फिर भारतीय टीम के ऊपर दिया ऐसा हैरान करने वाला बयान जिसे सुनकर सभी के उठ गए होश। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तमाम जानकारी, आखिरकार इन दिग्गजों ने टीम इंडिया को लेकर क्या कुछ कहा, इसके साथ ही भारतीय टीम की इस जीत के ऊपर कौन से बड़े सवाल उठे हैं, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ल्ड कप का 17वां महामुकाबला खेला गया जिसमें टीम इंडिया ने बांग्लादेश की टीम को 7 विकेट से हराकर इतिहास रचा। लेकिन भारतीय टीम की यह ऐतिहासिक जीत जो कि टीम इंडिया की शानदार फॉर्म में चल रही है, विराट कोहली की फॉर्म जो कि इन दिग्गजों को नहीं पाई और यहां पर भारतीय टीम के ऊपर हैरान करने वाले बयान देने लगे, खास करके यहां पर पाकिस्तानी टीम के दिग्गज खिलाड़ी जो कि बड़े हैरान है और भारतीय टीम के ऊपर बड़े बयान दे रहे हैं। जहाँ पर शोएब अख्तर ने टीम इंडिया को लेकर कहा कि भारतीय टीम बेईमानी करके जीत रही है, वरना लगातार इतने मुकाबले कोई सी भी टीम नहीं जीत सकी। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम ने भले ही मुकाबले जीते लेकिन टीम इंडिया अपनी घरेलू सरजमी पर पिच पर बेईमानी करके इन मुकाबलों को जीतती जा रही है, क्योंकि भारतीय टीम की बेईमानी की वजह से ही अब तक हम भी हारे हैं और लगातार ये टीमें भी हारती जा रही है। अगर यहाँ पर टीम इंडिया के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया तो फिर भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप की विनर टीम बन जाएगी और टीम इंडिया बेईमानी से इन मुकाबलों को जीतकर इतिहास रच देगी। तो ऐसे में यहाँ पर ICC से यही गुंजाइश रहेगी कि वह यहाँ पर इस मुकाबले के बाद पिच की पूरी तरह से जांच करे और टीम इंडिया की बेईमानी का पूरा पता लगाकर इन मैचों को दोबारा करवाए। इसके साथ ही यहाँ पर सानिया मिर्जा ने भी बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि विराट कोहली के बल्ले में ज़रूर ऐसा कुछ है जिसकी वजह से वह इतने शतक लगाने में कामयाब हुए। हालांकि विराट कोहली के साथ ही हिटमैन रोहित शर्मा भी कुछ ना कुछ तो ऐसी गड़बड़ी करते हैं जिसकी वजह से इस मुकाबले में वे शानदार छक्के जड़ते हैं। वैसे बल्लेबाज तो हमारे पास भी मौजूद है, बाबर आजम का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन यहां पर ये खिलाड़ी बेईमानी से मुकाबले को जीत रहे हैं, वरना भारतीय टीम इतनी खतरनाक टीम भी नहीं थी, क्योंकि T20 सीरीजों में तो ये टीम हार जाती है तो फिर वर्ल्ड कप में इतना कमाल कैसे कर सकती है। ऐसे में यहाँ पर ICC से यही मांग रहेगी कि ICC इस मैच को या तो दोबारा करवाए या फिर बांग्लादेश के खिलाफ हुई बेईमानी का पूरी तरह से बदला टीम इंडिया से ले, इसके साथ ही भारतीय टीम की पूरी तरह से जांच पड़ताल हो, वरना अगर नहीं हुई तो फिर हम पाकिस्तान जो कि टीम इंडिया के खिलाफ एक भी मुकाबला वर्ल्ड कप का नहीं खेलेगी। तो इसके ऊपर महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर ने भी बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय टीम की जाँच भी होती है तो पूरी तरह से हो जाए, लेकिन ये मुकाबला दोबारा नहीं होगा। भारतीय टीम बेईमानी से नहीं, इस मुकाबले को हम अपने पावर से जीतते हैं। अगर भारतीय टीम इस मुकाबले को अपने पावर से नहीं जीती तो वो वर्ल्ड क्लास टीमें हैं, अगर बेईमानी होती तो यहाँ पर ICC पहले से ही जांच कर लेती। तो ऐसे में यहाँ पर टीम इंडिया के ऊपर कोई भी एक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और भारतीय टीम इस मुकाबले को अब जीत कर इतिहास रचेगी और वर्ल्ड कप का खिताब भी जीतेगी। तो दोस्तों इन दिग्गजों के बयानों के ऊपर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।